कोरोना वायरस की अब बात करेंगे, जिसकी दहशत घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण के 110 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार पहले ही बंद है, लेकिन अब संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की विधानसभा तक कोरोना की दहशत दिखने लगी है। सभी जगह पर कोरोना की स्क्रीन तेज कर दी गई है। आम जनजीवन पहले ही कोरोना की तरफ से वजह से प्रभावित था। अब संसद परिसर में भी जांच की जा रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 110 से ज्यादा मामले पूरे भारतवर्ष में सामने आ चुके हैं। विधानसभा में भी मास्क पहनकर सभी विधायक पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। मॉलों में भी इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। वहीं नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना पीड़ित की संख्या 113 तक पहुंच चुकी है। कुल 15 राज्यों में मरीज पाए जा चुके हैं। आज उड़ीसा में पहला मरीज मिला। इटली से लौटे 33 साल के शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई। आज ईरान से 53 भारतीयों को देश वापस लाया गया। इन्हें भी जैसलमेर के आर्मी सेंटर ले जाया गया है। कल ईरान से 236 लोग लाए गए थे। इनमें से किसी में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। और आज से संसद भवन परिसर में भी सांसदों और स्टाफ के लिए कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। थर्मल स्कैनर के जरिए हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। जायजा लिया आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से भारत में भी इस वक्त फैल रहा है, इसके चलते अब संसद भवन के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग भी अंदर आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और इसके जरिए ये जानकारी मिलती है कि किस व्यक्ति को कितना तापमान है। लगातार जो रिसेप्शन का इलाका है यहाँ पर इस तरीके से कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग संसद भवन के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो मास्क लगा करके भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनको जहाँ पर फ्रिस्किंग तो होती ही है, साथ ही उसी वक्त उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। हालाँकि अभी तक जितने लोग यहाँ पर मिले हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल ही मिला है, लेकिन संसद भवन में इस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि संसद का सत्र अभी भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि कुछ सांसदों की तरफ से ये मांग की गई है कि संसद का सत्र खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस देश भर में फैल रहा है वैसे में संसद को अब चलाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी गैदरिंग यहां पर हो रही है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर मीडिया के लोग भी यहां पर आते हैं। ऐसे में इस तरीके से एहतियात बरतते हुए ये कोशिश की जा रही है कि सबका टेम्परेचर चेक किया जाए और उसके बाद ही यहां से जाने दिया जाए। दिल्ली से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कोरोना की दहशत ऐसी ही है कि विधानसभा सत्र में विधायक मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। आज एमपी और बिहार विधानसभा में यही तस्वीर सामने आई है। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले ज्यादातर विधायक मास्क लगाकर पहुंचे। पहले दिन ही विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच कोरोना को वजह इसके पीछे बताया जा रहा है। हालांकि माना यही जा रहा है कि कोरोना की दहशत का कमलनाथ सरकार ने सियासी इस्तेमाल करके कुछ दिनों की राहत पा ली। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आज मास्क बांटे गए। कोरोना की दहशत, विधायकों में मास्क लेने की होड़ दिखाई दी। सुरक्षा कर्मी भी इसी होड़ में शामिल थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। और जयपुर में भी इस कोरोना को लेकर दहशत कम नहीं है। वहां से हमारे संवाददाता देव अंकुर की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस या COVID-19 को लेकर जो इस समय स्थिति बनी हुई है उसको लोग गंभीरता से ले रहे हैं। राजस्थान में प्रदेश की गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, जिमनेजियम्स को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा
लोग मास्क पहनकर, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके और कई अन्य प्रिकॉशंस लेकर कोरोना वायरस से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। हम हैं इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको लगता है कि कोरोना वायरस जो है उसको लेकर स्थिति गंभीर है क्या? आपको किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेकर लोग अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना वायरस से? अपने हाथ धोते रहिए, स्थिति तो गंभीर है ही। मैं अभी हैदराबाद से आ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हमारे वहाँ पे भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिए कॉलेजेस सारे, तो स्थिति तो नेशन वाइड गंभीर है ही। बाकी स्टेट्स को भी लेने चाहिए प्रिकॉशंस इस चीज़ में। बाकी जो डॉक्टर्स दे रहे हैं सजेशंस वो सारे फॉलो करिए, मेरे ख्याल से दैट शुड बी सफिशिएंट। भारत की सरकार ने वीजा को कैंसिल कर दिया है सिवाय डिप्लोमेट्स को छोड़कर, सिवाय डिप्लोमेट्स के आप और कई मेजर्स लिए गए हैं, तो आपको लगता है कि वो मेजर्स काफ़ी हैं क्या? राजस्थान की सरकार ने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, जिमनेजियम्स को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, क्या आपको लगता है कि ये मेजर्स काफ़ी हैं या नहीं है ये तो टाइम ही बता सकता है आई थिंक, बिकॉज राइट नाउ इट्स सिचुएशन ऑफ लिम्बो, नॉट एवरीवन कैन से व्हाट विल हैपन। सो लेट्स सी, आई थिंक जो गवर्नमेंट ले रही है स्टेप्स शुड हेल्प आउट। थैंक यू। क्लियरली यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लोगों को लगता है कि प्रिकॉशंस लेकर वो बच सकते हैं कोरोना वायरस से। वहीं राजस्थान में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। आज सुबह जायजा लिया आज तक संवाददाता देव अंकुर ने। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही तमाम एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। हम इस वक्त कश्मीरी गेट बस अड्डे पर हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों से 700 से ज्यादा बसें रोजाना आती हैं जिन्हें अब सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो बसेस हैं उन्हें सैनिटाइज करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। ये एक लग्जरी बस है, वॉल्वो बस है और यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस बस में सैनिटाइजेशन हो रहा है। आप ये देखिए कि जो कर्मचारी हैं वो हर सीट को सैनिटाइज कर रहे हैं, यानी हर कोना कोना जो बस का है उसे सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई आशंका ना रहे कोरोना को लेकर। और यही वजह है कि आप देखिए कि हर कोने में जो बस के हैं उसे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है और इस केमिकल के जरिए ही पूरी बस सुरक्षित होगी, साफ होगी और जिस तरह का एक खतरा है वो खतरा कम होगा। और ये बस है, इसके अलावा कश्मीरी गेट में 700 बसें रोजाना आती है जिनमें लगभग हर बस में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन डीके शर्मा के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। दिल्ली आईएसबीटी में बाहर से आने वाली बसों को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है, देखिए अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सके और इसके लिए तमाम ऐसे स्पॉट जहां पर पब्लिक सबसे ज्यादा आती है वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये कश्मीरी गेट का बस अड्डा है, 700 बसें लगभग देश भर से यहाँ आती हैं और अगर आप देखेंगे अब बस स्टॉप में भी अंदर जो चीज़ें हैं, कुर्सियां हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम ये लोग हैं ये अपनी तरह से हर कुर्सियों को सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक यहाँ से जुड़ती है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या और पब्लिक की अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पब्लिक अवेयर कैसे हो इसके लिए हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यहाँ जो स्क्रीन जो लगी थी उनमें पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए तमाम वो चीज़ें मैसेजेस डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है जहां से पब्लिक अवेयर हो, पब्लिक समझे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और कौन से ऐसे संकेत हैं जो कोरोना से जुड़े हैं और कौन से ऐसे संकेत हैं जो साधारण फ्लू, जुकाम, बुखार से जुड़े हैं। तो जाहिर तौर पर पब्लिक प्लेसेस पे तमाम अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, DTC भी अपनी तरफ से कर रही है। इसके अलावा कश्मीरी गेट बस अड्डे में तमाम जो एहतियातन है वो यहाँ पर बरती जा रही है और बसों के अलावा बस अड्डे को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर यात्री खासे सतर्क हैं, देखिए शालिनी लोबो की चेन्नई से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में, आप देख सकते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पे मास्क पहन के यहाँ पे बैठ रहा है, लेकिन ये पैसेंजर फुटफॉल कम हुआ है जितना कोरोना आउटब्रेक के पहले थे। जब एयरपोर्ट्स में ज्यादा सर्वेलेंस है, इंटरस्टेट बसेस को फ्यूमिगेट कर रहा है, यहाँ रेलवे स्टेशन में प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिया गया है। रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया है, कोचेस को डिसइंफेक्ट किया हुआ है, कर्टन्स को रिमूव किया है सारे ट्रेन कोचेस से और जो
ब्लैंकेट्स ये रेलवे देते हैं वो ब्लैंकेट्स भी डिसकंटिन्यू किया है अनलेस पैसेंजर डिमांड करते हैं। तो अगर पैसेंजर को ब्लैंकेट चाहिए वो मांग सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डिसकंटिन्यू किया है एक महीने तक अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन। पिलो केसेस, पिलोज और बेडशीट्स मिल रहा है लेकिन ब्लैंकेट्स नहीं। तमिलनाडु में सारे क्लासेस LKG से 5th स्टैंडर्ड तक छुट्टी दिया हुआ है March 31st तक, और जो वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स है उसमें 60 crores पंप किया हुआ है ताकि स्टेट अप टू डेट है, जो मेजर्स कोरोना वायरस के आउटब्रेक को टैकल करने में स्टेट अप टू डेट रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दिव्य के साथ शालनी, चेन्नई आज तक।